तो सर कितने दिल्ली के भारत जोड़ो यात्रा में आपकी राहुल जी से पदयात्रा के दौरान के अलावा भी मुलाकात हुई, शायद इंडिया था आपकी इनसे बात हुई हो, तो राहुल जी और सोनिया जी दोनों ने ही आपको एक तरीके से कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देंगे? तो यही कहा, उन्होंने कहा कि प्लेइंग फील्ड लेवल होंगी हमारे तरफ से, ना कोई ये है वो है और कोई भेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी हो पार्टी के अंदर, ये तो कोई शत्रु की जंग नहीं है, ये युद्ध की बात नहीं है, हम सहयोगी है, एक ही पार्टी के अंदर हम काम कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी हम एक साथ काम करेंगे, तो इसलिए कोई दुश्मनी नहीं है, हम चाहते हैं कि सहयोगी के जो अलग अलग परिकल्पना हो सकते हैं पार्टी के बारे में कि हम वोटर्स के सामने रखें, पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनने दीजिए, बस यही है हमारा संदेश। तो मैं कह रहा हूं पार्टी की, देखिए अगर आप संतुष्ट है पार्टी जैसी चल रही है तो प्लीज खड़गे साहब को ही वोट दीजिए, अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर जो कुछ मैंने कहा और आपको पता है मैंने ये मैनिफेस्टो पत्रिका निकाली है कल, अगर ये सब देख के आप चाहते हैं कि पार्टी एक अलग तरीके से चले, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ना आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, खड़गे साहब और मैं दोनों एक साथ काम किए हैं लोकसभा में, पिछले लोकसभा में, और मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी का संदेश है जनता के सामने उसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है, हम सिर्फ इसको सख्त बना के मजबूत बना के बार बार कहते रहेंगे, लेकिन हमारे काम के तरीके, कार्यकर्ताओं के जो बंधन है उनके नेताओं के साथ, जो सारे निश्चय दिल्ली में हो रहा है आजकल, उसको जरा सा नीचे करके शक्तिकरण हमारे ग्रास रूट्स पे, हमारे मंडल, हमारे ब्लॉक, हमारे जिला, हमारे राज्यों में, उस लेवल्स पे अगर आप अधिकार दे दें तो मेरे ख्याल में पार्टी के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो प्लीज खड़गे साहब को ही वोट दीजिए। ये भी बात है कि गांधी का क्या रोल होगा, अभी जो बड़ा सवाल सब लोग उठते हैं, क्योंकि इतने साल तक जो है 20-22 साल लगातार, पहले सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी रहे, फिर सोनिया गांधी अब इंटरिम प्रेसिडेंट है, गांधी का क्या रोल रहेगा? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के डीएनए जो कहता है, जो खून जो कहता है, बिल्कुल मिले जुले हैं। कांग्रेस पार्टी के जो ऐतिहासिक रोल है उसमें तो गांधी नेहरू परिवार का आप सब जानते हैं, मोतीलाल नेहरू जी के समय से कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने, तो इसलिए मैं इस ये कहूंगा कि कोई भी अध्यक्ष इतना बेवकूफ नहीं है कि गांधी परिवार को बोले कि गुड बाय, नहीं बिल्कुल नहीं, गांधी परिवार का जो इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए पार्टी का की बड़ी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। मैं केरल से आया हूं भारत जोड़ो यात्रा देख के और उसमें भाग लेके, क्या ऊर्जा, क्या आवेश है लोगों के पास, वो लोग आके राहुल गांधी जी को देखना, उसको चेयर करना, उसको ताली बजाना, लाखों लोग हर रोज 6:30 बजे 7:30 बजे सुबह निकल के रास्ते पे निकल के हमें समर्थन दे रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन का यात्रा है, हमारे चुनाव 20 दिन में खत्म हो जाएगा, वो तो कंटिन्यू करनी चाहिए मेरे ख्याल में। ये अगर कोई नया अध्यक्ष आए तो पहली चीज बोलनी चाहिए कि राहुल जी कंटिन्यू, आप जो कर रहे हैं पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, और शायद नया अध्यक्ष उनके साथ जरा सा चलना भी चाहिए। मैं चाहूंगा कि जरा सा, क्योंकि हमें दूसरा काम भी होंगे यहाँ दिल्ली में और देश में और दूसरे पार्टियों के साथ वगैरह बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि गांधी परिवार कांग्रेस में रहेंगे, रहने चाहिए, और इनका रोल तो इतना स्पेशल है कि गांधी परिवार के साथ चर्चा करके वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं उनसे भी समझ लें, लेकिन बाकी जो हमारे काम है पार्टी के अंदर, हमारे संविधान में प्रेसिडेंट को किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट के पूरे अधिकार संविधान में दिया हुआ है। सर दिग्विजय सिंह गांधी फैमिली ही रहेगी।